एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। और जब टोटल देखेंगे कि इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, इतना प्रवेश किया इतना निकल गया, दोनों की वैल्यू सेम है, तो परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी सीधा सा अर्थ है कहने का कि यदि आवेश पृष्ठ के अंदर नहीं है, क्या है, पृष्ठ के बाहर स्थित है, बंद पृष्ठ की, तो उस पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। सीधा सा समझिए, यदि आवेश पृष्ठ द्वारा घिरा नहीं है अर्थात पृष्ठ के बाहर है, तो उस स्थिति में पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अब आइए गौसियन पृष्ठ एक तथ्य आया था, हम उस पर विचार कर लेते हैं। गौसियन पृष्ठ क्या होता है और उसकी विशेषता क्या होती है? तो गौसियन पृष्ठ जो होता है एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है। कैसा? स्वच्छ बंद पृष्ठ, ठीक, जिससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, गुरुत्वीय वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्सों की गणना की जा सकती है, ठीक। इसका इसको किस रूप में ज्यादातर हम मानते हैं, गोले के रूप में मानेंगे, पृष्ठ के रूप में आप मान सकते हैं, ठीक। ऐसे पृष्ठ मानेंगे जो सममित रूप में पाए जा सकते हैं, ऐसे पृष्ठ नहीं मानेंगे जो चकती हो या वर्गाकार पृष्ठ हो, इस तरह के पृष्ठ आप सपोज नहीं कर सकते, ठीक। तो गौसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि जिससे उन बिंदुओं को भी हम डिसाइड कर सकें जो पृष्ठ पर हैं, पृष्ठ के अंदर हैं या पृष्ठ के बाहर हैं। कौन से पृष्ठ? गौसियन पृष्ठ के अंदर हो, बाहर हो या फिर पृष्ठ पर स्थित हो। दूसरा, जिस पृष्ठ जिस बिंदु पर जो है आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक, या कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र ही ज्यादातर हम ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, वह पृष्ठ क्या, वह बिंदु क्या होना चाहिए, पृष्ठ से पर होना चाहिए। जब भी आप गौसियन पृष्ठ सपोज करें तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो कहाँ हो, आपके गौसियन पृष्ठ पर हो, ऐसा पृष्ठ सपोज करें। अगला, पृष्ठ की आकृति जो होनी चाहिए स्रोत के सममित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सममित, सिमेट्री होनी चाहिए, चारों तरफ एक जैसी होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंबोत प्राप्त हो। क्षेत्र क्या हो? पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंबोत हो, या कह सकते हैं समांतर हो, एग्जैक्ट हमें उसका डायरेक्शन मिल सके, और साथ साथ उसे गौसियन पृष्ठ पर उसका परिमाण भी क्या हो, नियत हो। तो ये है गौसियन पृष्ठ की जो है गुण। तो ध्यान रहे गौसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उस बिंदु से ऊपर गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, साथ साथ इस सिमेट्री होनी चाहिए, इसकी सममित होना चाहिए, जिससे आकृति या स्रोत के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसके चारों तरफ सममित होनी चाहिए, और परिमाण इस क्या होना चाहिए, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का नियत होना चाहिए। अब आज की क्लास इसी तक, अगले दिन आप लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग।